दिल्ली पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ। नसबगढ़ इलाके में हुए एनकाउंटर में तीन बदमाशों को पकड़ा गया, उनके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। द्वारका के नजफगढ़ थाने की पुलिस टीम ने एनकाउंटर के बाद तीन कुख्यात बदमाशों को विदेशी हथियार के साथ गिरफ्तार किया। डीसीपी द्वारका ने बताया कि एसएचओ सुनील कुमार की टीम ने तीन पिस्टल और 40 कारतूस भी जब्त किए, जिनमें से एक पिस्टल तुर्की की बनी हुई है। इस गैंग को पकड़ने जब पुलिस गई तो उन्होंने तीन राउंड फायर पुलिस पर किए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी दो राउंड फायर किए। जब तक ये बदमाश भागते, पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। सब इंस्पेक्टर नवीन सहरावत और हेड कांस्टेबल सुरेंद्र स्टाफ के साथ पेट्रोलिंग पर थे। उसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि मर्डर मामले में वांटेड क्रिमिनल विकास उर्फ पीके कपिल सांगवान उर्फ नंदू के घर अपने साथियों के साथ आया है। सूचना के बाद पुलिस ने कपिल सांगवान के घर पर रेड दी। पुलिस की छापेमारी होते ही ये भागने लगे और पुलिस पर फायरिंग कर दी। इन बदमाशों के पास से तुर्की निर्मित 9mm की पिस्टल, दो कंट्री मेड पिस्टल और 40 राउंड भी मिले हैं। साथ ही मौके से तीन खाली खोखे भी बरामद हुए। पकड़े गए बदमाशों में नकुल सांगवान उर्फ दीपक, रोहित उर्फ गहलावत और तरुण शामिल हैं। ये तीनों हरियाणा के महेंद्रगढ़, झज्जर और रोहतक के रहने वाले हैं। टोटल न्यूज के लिए दिव्यांशु मल्होत्रा की रिपोर्ट।